फाइनली मैं पहुंच गया अभी ऋषिकेश और मैंने बस और अभी मेरे सामने जस्ट चांदनी सेतु ब्रिज है। ये देखो रोड भी ऐसा लग रहा है कि मरीन ड्राइव है वो अभी इसका एरिया शुरू हो रहा है पूरा वो देख लो यहाँ से धीरे। गाइस का सारा स्वागत है आपका एक और आज की नई वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका पर सुवेल 4.0। सो गाइस इस वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा, मैं जा रहे वाला हूँ 2.5 साल बाद ऋषिकेश। तो मैं बस में जा रहा हूँ ऋषिकेश, तो मैं वहाँ पे जाके आपको पूरा ऋषिकेश घुमाऊंगा और लक्ष्मण झूला वगैरह सब दिखाऊंगा, जो मैं वहाँ घूमूंगा वो भी आपको दिखाऊंगा और हो सके तो मैं वहाँ पे जो बीटर आश्रम है फेमस वो भी एक्सप्लोर करूंगा। तो इस वीडियो में बने रहना, ये वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है। तो इंट्रो मैं अभी इतना लंबा नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इंट्रो छोटा रखूंगा। तो बस चलते हैं ऋषिकेश और घूमते हैं पूरा ऋषिकेश, एक्सप्लोर करो मेरे साथ ऋषिकेश तुम लोगों भी। तो चलो चलते हैं। फाइनली मैं पहुंच गया अभी ऋषिकेश और मैंने बस में वीडियो से नहीं बनाई क्योंकि ना जो मंडली होती है अपने वजन वजन कर रही थी, समझ रहे हो ना, मतलब अगर मैं बनाता भी ना तो तुम्हें आवाज़ शोर आता और तुम बोर हो जाते, तो मैंने इसलिए वहाँ पर वीडियो मैंने बनाई नहीं और मैं डायरेक्ट ऋषिकेश में आके व्लॉगिंग कर रहा हूँ पूरा। और अभी मेरे सामने जस्ट चांदनी सेतु ब्रिज है ये देखो। तो मैं 2.5 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो ये ब्रिज मतलब बना नहीं था, अधूरा था, मतलब बन रहा था ये। तो अभी मैं जब आया हूँ तो ये पूरा बन चुका है और मैं आपको अंदर जाके पूरा ब्रिज दिखाता हूँ कैसा है, कैसा है और बहुत हवा चलती है। देखो ये जानकी सेतु ब्रिज है और वो राम झूला है और तुम्हें आगे चल के दिखाता हूँ कितनी तेज़ हवा चल रही है इधर और ये गंगा जी बह रही है। तो यहाँ पे तुम्हें शुरू की आवाज़ आ रही होगी मेरी वीडियो में क्योंकि मेरे पास माइक अभी है नहीं, मैं माइक लाया हूँ इतना। तो एक बार मैं तुम्हें व्यू दिखा रहा हूँ पूरा और अभी तुम्हें जानकी सेतु ब्रिज देख रहा हूँ कितनी हवा चल रही है, वाओ लग रही है, गंगा जी बह रही पूरी। कैमरे में इतना तुम्हें क्लियर दिखेगा, आंखों से बहुत क्लियर दिख रहा है मेरे को, कैमरे में इतना क्लियर नहीं आ पाएगा। ये जो पुल है ये देखो, ये 1, 2, 3 मतलब ऐसी लेन में काट रखा है इसको पूरा आगे तक। ये देखो बोर्ड भी लगा हुआ है साफ साफ। तो मैं अभी पहुँचा हूँ 4:30 बजे, 4:45 बजे मैं हरिद्वार पौधा पहुँच गए थे हम, हरिद्वार रस्ते में पड़ा था और अभी 4:30 हो रहे हैं और चांदनी सेतु ब्रिज में हूँ मैं। अभी सुबह हो गई है और अभी काफ़ी हवा भी कम हो गई है और अभी हम आए हैं गंगा के किनारे में, दिखाता हूँ। ये मतलब पूरा बीच सा बना रखा है इधर और ये घर वाले कुछ चल रहे हैं जो हमारे संग आए हैं। पीजे सिरे थे ना ये, ये देखो पीजे सिरे थे। यस तो वहाँ लोग काफ़ी फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, देखो किनारे की जगह है तो यहाँ पे फ़ोटो काफ़ी बढ़िया खिंचेगी, इसलिए अभी हम भी वहीं जा रहे हैं फ़ोटो खिंचवाने अपनी। सारे लोग कूद के जाना है यहाँ से, चलो 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 चलो। तो फ़ोटो यहाँ से आएगी बढ़िया है, चलते हैं अभी उधर क्योंकि फ़ोटो का नज़ारा तो वहीं से आ रहा है बढ़िया एकदम व्यू करोगे पार ये। अरे यहीं तो आना है, तो पत्थर देखो सारे पत्थर मतलब चिकने हो रखे हैं ना, सारे चिकने हो रखे पत्थर किनारे पर है ना, ये किनारे पर तो रहेंगे चिकने एकदम। और ये देखो बीच में पत्थर आ रखे हैं ना, जैसे बीच में पत्थर है उसके ऊपर थोड़ा ज़मीन है, यहाँ पे गहराई है और उस साइड भी गहराई है, बीच में पूरा एक तरह से वो बना रखा है। और यहाँ से व्यू देखो, वाह क्या लग रहा है यार। ये देखो ये जानकी सेतु ब्रिज है जो रात को मैंने आप लोगों को दिखाया था और अभी सुबह हो गई काफ़ी। तो कैमरे में इतना अच्छे से आपको फील नहीं हो पाएगा, जब आप यहाँ पे आओगे और अपनी आंखों से देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि कितनी सुंदर जगह है ये। मैं यहाँ पे खुद दूसरी बार आ रहा हूँ, 2.5 साल पहले मैं यहाँ पर आया था तब ये मतलब बना नहीं था, मतलब बन रहा था, ये जिसके पिलर्स है ना ये लग गए थे, ये पूरा नहीं बना था, पर अभी पूरा तैयार हो चुका है, खुल भी चुका है लोगों के लिए, काफ़ी लोगों को पता भी होगा और आए भी होंगे। नज़दीक जाएगा पूरा बहाव जा रहा है ना, क्लियरिटी आएगी बेटा ये देखो पूरा बहाव आ रहा है यहाँ से। तो इस साइड ना थोड़ा आगे जाकर बीड़ल आश्रम भी है, तो आपको पूरा बीड़ल आश्रम भी दिखाऊंगा मैं अभी। ये देखो जहाँ वो बंदा बेड़ बकरी चला रहा है उधर बीड़ल आश्रम है पूरा। अभी यहाँ चल रहा है फोटोशूट, अबे कर लो जल्दी फोटोशूट भाई, अभी आश्रम भी जाना है, लक्ष्मण झूला भी जाना है। चले झूले पे, चले झूले पे, लेट कर रहे हैं ये लोग, लेट कर रहे हैं ये लोग, झूले पे चलो यार, आ जाओ भाई झूले पे जाना है, आ जाओ यार लेट हो रहा है, चलो झूले पे चलो। तो ये मेरी चाची की लड़की है जो आ रही पीछे, आई कौन करेगा, आई कौन करेगा, आई कौन करेगा, पहली बार कैमरा के सामने आ रही ना तू, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास कैमरा है। और ये है मतलब कि मेरे भाई है, हाँ भाई एक तरह समझ लो, यही भाई एक तरह से। तो अभी ये मेरा कैमरा संभालेंगे, कैमरे से मेरे वीडियो शूट करवाएंगे, तो मेरे को फायदा हो गया इनके आने से, प्लस्तर रहेगा इससे।
कह रहे सिर्फ तो घर ले चलो, प्लास्टर कराओ उस दीवारों पर। हेलो रिश्तेदार भाई, दे यो भाई, दे यो। तो ये स्नैपचैट पे वीडियो बनाते हुए चलो भाई फुल एकदम है। तो यहाँ सांड आ गया बड़ा सा, ये देखो, ये देखो ऋषिकेश कुत्ते। तो अभी चाय आ रही है हमारी, चाय ले आओ, चाय ले आओ। के पीछे में मुड़ के देखो, अभी तो धूप हो गई, सुबह कितनी तेज हवा चल रही थी ना, बहुत ठंडी हवा चल रही है। अभी फिलहाल धूप आ गई और अभी हवा भी कम हो गई बहुत। सुबह जब अंधेरे में आए थे तो पहाड़ वाड़ कुछ नहीं दिख रहा था, वो तो दिखेगा ही नहीं अंधेरे में। हवा बहुत चल रही थी, ठंड में आया था, बहुत ठंड लग रही है भाई। पानी पानी तो ठंडा, मैंने भी पैर डाला तो ऊपर ही हो गया वापस भाई, बहुत ठंडा पानी था इधर, पता नहीं कैसे नहा लिया इधर ठंडे पानी में एकदम। तो यहाँ के बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, ये देखो। चलो भैया सब नंदी है। तो अभी यहाँ पे मैंने जितनी फोटो खिंचवाई है ये मेरे सब इंस्टाग्राम पे आएगी, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, मेरा यूज़र नेम आ रहा होगा तो कर लेना फॉलो, काफ़ी फ़ायदेमंद रहोगे। तो जो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करते हैं उनको मालूम पड़ेगा कि मैं यहाँ पे आ रखा हूँ। तो बस ये है कि मालूम पड़ जाता है कि अगली वीडियो कौन सी आने वाली, तो इसलिए फॉलो जरूर कर लेना इंस्टाग्राम पे मेरे को। ये देखो मूर्ति देखो इधर क्या बढ़िया लग रही है ना पूरे मंदिर की। अभी ये रास्ता है लक्ष्मण झूला का, तो अभी हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला। बहुत देर से मतलब रुके हो गए ये लोग ना फोटो खिंचवाने के लिए, बार बार हर जगह रुके जा रहे हैं। हाल अभी हम पहुँचे राम झूला, राम झूला ही है ना ये, तो ये राम झूला है। जब मैं पहले आया था यहाँ पे 2.5 साल पहले तो मैं यहाँ पे पहुँच गया था, मेरे को लगा लक्ष्मण झूला है ये, पर हम यहाँ पे आके पूरा झूल वूल लिया, हम खुश हो गए भाई चलो झूल लिए वूल लिए, पर बाद में मालूम पड़ा ये राम झूला था, लक्ष्मण झूला तो रह गया असली वाला। तो 2 किलोमीटर दूर है अभी यहाँ से, वो यहाँ से लक्ष्मण झूला 2 किलोमीटर है आपका, मतलब सीधा जाना है यहाँ से, हैं यहाँ सीधा। ये देखो ये है राम झूला पूरा, हाँ? ये लगता है लक्ष्मण झूले की तरह ही है, पर ये लक्ष्मण झूला है नहीं, काफी लोग हैं लक्ष्मण झूले की तरह लगता है ना, ये राम झूला है, हमें भी लगा पहले ये लक्ष्मण झूला है, हम यहाँ पर आ गए थे, पर ये राम झूला है। अभी हम जा रहे लक्ष्मण झूले की तरफ, पहले यही रास्ता आता था ये, वो तो नया बना। ये देखो पूरा ये राम झूला है, लक्ष्मण झूला तो आ गया है, राम झूला है 2 किलोमीटर आ गया, अभी देख कुछ सीधे जाना है यहाँ से। अरे ये राम झूला है, इसमें मजा नहीं है इतना, उससे ज़्यादा क्या हिलेगी, नहीं वो राम झूला तो ये वाला कम हिलता है राम झूला, जो लक्ष्मण झूला है वो ज़्यादा हिलता है। रोड भी ऐसा लग रहा है कि मरीन ड्राइव है, ये रोड कैसा लगा ये बताओ, पूरा पूरी सीट वगैरह लगा रखी है, पेड़ वेड़ और सामने पूरा व्यू देखो, यहाँ बैठ के मैगी खाओ तो क्या मजा नहीं आएगा है। एक बार ये देखो नज़ारा देखो, पूरा व्यू यहाँ से दिखेगा और यहाँ बैठ के मैगी खाओ, एक नंबर मजा आएगा वैसे यहाँ पे। और वो देखो ये सारा गोवा बीच का एरिया स्टार्ट हो रहा है, देखो लग रहा है ना बीच की तरह, देख वाइट वाइट पूरी रेत है, वाइट पूरी रेत है देखो यहाँ से पूरी। तो ये मेरे चैनल पर पहला मेरा ट्रैवलिंग व्लॉग आ रहा है, तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है ट्रैवलिंग व्लॉग का, तो मेरे को बताना कि मैं मतलब जो मेरी ट्रैवलिंग व्लॉग है मैं कैसे कर रहा हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है चैनल की अच्छी लग रही है देखने में तो मेरे को बताना, मैं ऐसी और अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करूँगा आप लोगों के लिए, आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना के डालूँगा चैनल पर, तो मज़ा आएगा बस काफ़ी आप लोगों को। नोटिस करने वाले यहाँ की गायों की हाइट छोटी है, देखना सारी गाय छोटी हैं यहाँ पर, छोटी हाइट की, ऐसा पता नहीं क्यों है, छोटी हाइट की गाय, छोटी छोटी हाइट की, पता नहीं क्या सीन है इधर हमारे, तो हमारे यहाँ तो इतनी लंबी लंबी गाय होती है। ओहो ये व्यू देखो भाई, $1 million व्यू है भाई, ये शायद ये गोवा बीच है मेरे को लग रहा है, क्योंकि ना गोवा बीच मैंने गूगल मैप में सर्च किया था ना तो वो लक्ष्मण झूला के पास ही दिखा रहा था, और लक्ष्मण झूला मेरे ख्याल से भी आने वाला है, तो ये स्टार्टिंग हो सकती है गोवा बीच की। थक गए तो हम फिर वो जगह कैसे एक्सप्लोर करेंगे, तो ये बारी रास्ता देखो कच्चा रास्ता है एकदम, ऐसे ट्रैकिंग कर रहे हैं नहीं, रास्ता एक नंबर है, पर देखो छोटा सा पतला सा और पतला होता जा रहा है आगे जाके, ये देखो पतला होता जा रहा है, देखो
काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को ऐसे जाने में, इधर पहली बार ही आया हूँ अभी। लक्ष्मण झूला जस्ट हमारे सामने ही है, आ गया लक्ष्मण झूला, पहुँच गया लक्ष्मण झूला फाइनली इतने चलने के बाद। देखो भाई सन की रोशनी पूरे पहाड़ में से आ रही है, क्या लग रही है, अलग ही बहुत बढ़िया भाई। और यहाँ की रोडें देखो क्या की अलग ही रोड है बिल्कुल। ये देखो पीछे आ रहे सारे होटल वगैरह, देखो ऐसे होटल होते हैं मतलब पहाड़ों के सामने जस्ट, क्योंकि फिर आपको विंडो से अच्छा व्यू भी तो चाहिए होता है, इसलिए सारे होटल यहीं पे लगा रखे हैं ये सारे। यार यहाँ के सारी गायों की हेड छोटी है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या सीन है, जो सी गाय देख लो उसकी हेड छोटी है सबकी। देखो एक और यहाँ पे थार खड़ी है, क्या लग रही है नी एक नंबर। वो देखो हार्ट टॉप लगवा रखा ऊपर, थार गजब लग रही है। 2000 years later. नहीं पहुंच गए लक्ष्मण झूला, बंद थोड़ी है खुला है। हाँ दरवाजा लगा हुआ है, दूसरे का बंद है। लक्ष्मण झूला यही है ना? हाँ है ना, हाँ यही है। तो इतना चलने के बाद फाइनली पहुंच ही गए लक्ष्मण झूला पे भाई, अब वापस भी जाने। इतना चल गए यार, पहुंच गए आखिरकार, जल्दी पहुंच गए नी, जल्दी पहुंच गए, जाना भी ऐसी है, जाना भी ऐसी है भाई, जाना भी ऐसी है, चल के अभी इतनी दूर। एक नंबर आ रहा है हवा बहुत चल रही है, यहाँ भी हवा बहुत चल रही है, यहाँ का राफ्टिंग हो रही है। देख रहे हो क्या व्यू लग रहा है यार, बहुत कैमरे में इतनी अच्छी तरह आ नहीं पा रहा है, बस आंखों के सामने ना अलग ही लग रहा है। तो वहां पे अभी मेरा लाइक है, ठीक है भाई, मीठा है, गंगा जी का पानी आ रहा होगा ऊपर तक, ठीक है भाई। कैन लगी हुई है ऊपर, अच्छा कैन लगी है ऊपर, देख ही नहीं यार कैन। आ रहा हूँ तो किसी केस का पानी मीठा है एकदम। ये ब्रिज अभी हिल रहा है नी, तो ये अभी हम दोबारा जा रहे हैं लक्ष्मण झूला से उस तरफ जहाँ से हम आए हैं, और हिल रहा है ये देखो। और मेरे को डर इस बात का लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जाली की छोटी छोटी और आवाज़ बहुत चल रही है, फोन हाथ से फिसल गया है ना बस, फिर वीडियो भी नहीं आ पाएगी जो बन रही है ये भी। तो बन रहे हमारे चने, नींबू डाल दो, हाँ नींबू डाल दो, और चने अच्छा आपने बनवाया, मिला दो भाई, ले ले यार, ले ले यार, लो जी लो बस, चने कर रहेगा कारे चने, फुल चने चल ले भैया, हरी मिर्च मत डालियो भैया, हरी मिर्च खा ली है, मसाला कम डालियो, हरी मिर्च मत डालियो, बाकी और डाल दे, हरी मिर्च मत डाल, क्या है भाई बढ़िया तो अंकल दो। तो ये बंटा की बोतल है, पहले हमारे यहाँ 3-3 रुपए की मना करती थी, हम कंचा निकाल के पिया करते थे, घोड़ के उसमें से कंचा निकाल देते थे, हाँ कंचे के लिए बोतल तोड़ देते हैं, मिलता क्या एक कंचा। अभी देखो आवाज़ ऐसे आएगी, मैं कह रहा हूँ एक और बना दो फिर उनके लिए भी, चलो जी बंटा यही मिलता है ना बस, ये तो ये आपको सिर्फ ऋषिकेश में मिलेगा, तो जब भी आओ ट्राई जरूर करना खाकर, खट्टा रहता है भाई, खाते कैसे इसको काट के देना थोड़ा यार, खा के देगा खा रहे, तो भी अब ले रहे हैं इसको टेस्ट करने में, बताऊंगा कैसा खाने में पूरा। ये राम जी ने खाया था ये फल, राम जी ने खाया था बेर और ये राम फल खाया था, कैसे बेर और राम फल ही था, अच्छा जब ही नाम इसका राम फल पड़ गया, ऐसे काट के देते अंदर, देखो अनार की तरह लग रहा है ये, देखो लाल लाल, ट्राई करके बताओ खाकर। रिव्यू दो अपना, रिव्यू अच्छा मीठा है, अलग ही है ना, ऐसे खाया पहले कभी, अभी खा रहे हो, अभी मैं भी खा के देखता हूँ इसको कैसा है भाई, ये
सही है तो सही है ना, बस गाड़ी में काम कर दिए, गाड़ी ले दिए और उस पर टायर डाल। अच्छा है इसका टेस्ट ना, अनार के मतलब सिमिलर है, हल्का हल्का ऐसा लगेगा कि आप अनार खा रहे हो। और ये छिलका सा है जो भी है, छिलका टाइप है और बीज है इसमें। 2000 years later. सेंटर में। सो गाइस मेरे फोन की बैटरी अभी काफ़ी लो हो गई है, तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बीटर्स आश्रम के ऊपर ये नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, तो तब तक के लिए चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक घंटा जरूर दबा देना। इससे क्या होगा, जब मैं वो बीटर्स आश्रम वाली वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप मेरी वीडियो देख लोगे सबसे पहले। और इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, ये रहा मेरा यूज़र नेम दिख रहा होगा, सारी फोटोज़ वगैरह सब वहीं पर आएगी। और बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय।